जिम इसमिलहमानरिम रबिश राहली सौधरी वयसरली अमरी वखलतमिलसानी यफ़ाहु कौली रबी जिदनी आमीन या रबालमीन अलकूम वरह वक्त मेरा नाम मिस नबीला अंजुम है और मैं एस के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातब हूँ सबसे पहले तो ये कि मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी कि आपने एस एस कॉलेज में एडमिशन लिया और आप यहाँ के स्टूडेंट बने इन शाला आप देखिएगा कि आप एस एस टी में पढ़ने के बाद कितना आपके अंदर टैलेंट आ जाएगा और कितनी आपके अंदर एक ऐसी काबिलियत पैदा होगी कि आप ख़ुद भी हैरान हो जाएंगे इस काबिलियत को प्रमोट करने के लिए हमने आपके क्लासेस स्टार्ट की है, जो क्लासे हैं जो ऑनलाइन क्लासेस हैं ठीक है इसमें मैं आपको इस्लामियात का सब्जेक्ट पढ़ाऊँगी इन शाह तला और इस्लामियात के बारे में बहुत सारी आपको मालूम मिलेंगी कुछ ऐसे चीज़ें होंगी जो आपने प्राइमरी लेवल से पढ़ी होंगी लेकिन अब आपको उसकी डिटेल पढ़ाई जाएगी साथ साथ आपको कुछ ऐसी नई चीज़ें भी इस्लामियत के सब्जेक्ट में मिलेंगी जो आपने शायद कभी नहीं पढ़ी या अगर आपने सुनी है या पढ़ी है तो बिल्कुल सरसरी तौर पर पढ़ी है लेकिन अब इन शाह फर्स्ट ईयर की क्लास में यानी ग्यारहवीं की क्लास में आपको वो तमाम चीज़ें डिटेल से समझाई जाएंगी और पढ़ाई जाएंगी और मुझे उम्मीद है आप बड़ी दिलचस्पी के साथ और मोहब्बत के साथ इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे इन एक ऐसी नेमत है जिसको हासिल करना लाजिम है इम इंसान को शूर देता है और जब ये शूर दिल और दिमाग दोनों को रोशन कर देता है तो इंसान एक बाकिरदार इंस बन के उभरता है माशरे में तो देखें दुनिया की तालीम इंसान के शूर को उजागर करती है और दीन की तालीम इंसान के दिल और दिमाग दोनों को उजागर करती है। तो जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो फिर इंसान का किरदार आला हो जाता है तो आपके सिलेबस में ये ख़ास नमत है कि अल्लाह ताला ने हमें ये नेमत दी है कि प्राइमरी लेवल से लेकर सेकेंडरी लेवल में आपके पास इस्लामियत का सब्जेक्ट रहा ताकि हम दुनियावी तालीम के साथ साथ दीन की तालीम पर भी तवज्जो दें और अब फर्स्ट ईयर में भी अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामियात का सब्जेक्ट आपके लिए बहुत सारी नई चीज़ें लेकर आया है जिसमें आपको दीन की मालूम भी हासिल होंगी और इन शाह अमल के लिए बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे ताकि आप उस पर अमल करके अपने ज़िंदगी को कामयाब बना सकें सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा जुज्व है पहला पार्ट पहला हिस्सा हमारा उसका जो मौजू मैंने रखा है वो है इस्लामियात का तारफ़ लफ्स इस्लामियात ये सब्जेक्ट है आपका जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये इस्लाम से निकला है लफ्ज़ इस्लाम के मायने हैं सलामती सलामती क्या होती है कि ऐसी ज़िंदगी का जबता हयात ऐसी ज़िंदगी का तरीका है कार जिस पर अमल करके आप कामयाबी हासिल कर सकें और ये कामयाबी न सिर्फ दुनिया के लिए हो बल्कि आख़रत में भी आपको सुरखरू कर दे और अल्लाह के करीब कर दे। दुनिया में जब आप ज़िंदगी गुजारें तो बेहतरीन इंसान बन के गुजारें और इस बेहतरीन इंसान बनाने के लिए अल्लाह ताला ने हमें जो एक प्लेटफॉर्म दिया है वो है इस्लाम अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान पाक में इरशाद फरमाया हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और तुम्हारी लिए दीन इस्लाम को पसंद किया दीन इस्लाम मुख्तलिफ मजाहिब में सबसे बड़ा मज़हब है और देखें इस वक्त दुनिया में तकरीबन पैंसठ मजाहिब हैं जो बड़े बड़े मजाहिब हैं। बाकी जो उनकी शाखें हैं वह फिर हज़ारों की तादाद में चली जाती हैं लेकिन जो बड़े बड़े मजाहिब हैं, पैंसठ माहाहबे उसमें सबसे ज़्यादा जो मजहब पूरी दुनिया में फैला हुआ है वो है इस्लाम इस्लाम अल्लाह ताला का पसंदीदा दीन है अल्लाह ने इसको पसंद किया है मेरे और आपके लिए और ये हमारी खुशनसीबी है कि हमें अल्लाह ताला ने इस्लाम गोद में दिया है जो लोग मुस्लिम होते हैं और वो इस्लाम की तरफ़ आना चाहते हैं उन्हें इस्लाम के प्लेटफॉर्म पर आने के लिए बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जैसे कि आपने सेकेंडरी क्लासेस में पढ़ा साहबा कराम जब ईमान लेकर आते थे कलमा पढ़ते थे तो मुशरकिन उन पर किस तरह से म्मतम किया करते थे उनको जलते हुए कोयलों पर लेटा दिया करते थे या उनके गले में रस्सी बांध कर सड़कों पर घसीटा करते थे लेकिन आज हमारे साथ तो ऐसा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह हम पैदाइशी तौर पर मुसलमान हैं हमें मुसलमान होने के लिए कलमा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है चूँकि हम मुसलमान घराने में पैदा हुए हाँ जो गैर मुस्लिम हैं उनको जब इस्लाम के दायरे में दाखिल होना होगा तो वो फिर कलमा पढ़कर इस्लाम के दायरे में दाखिल होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह, ला चूँकि हम पैदाइशी मुसलमान हैं तो हमें इसकी कदरदानी करनी चाहिए अगर हम इसकी क़दरदानी नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे दिलों से ईमान को ख़त्म कर देगा जैसा कि आज कल आप देखें हमारे माहौल में ये सब चीज़ें नज़र आ रही हमने अपने दीन की कदरदानी नहीं की वो प्लेटफॉर्म वो सिरात मुस्तकीम का रास्ता जो अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाया है हमने उस पर अमल नहीं किया उसको बेयर मददगार छोड़ दिया आए आज इरादा करें कि हम इस्लाम पर अमल करेंगे हम इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे हम देखेंगे कि अल्लाह ताला ने हमें क्या क्या बताया है और ये सब कुछ देखने के लिए हमें अल्लाह की किताब का मताल करना होगा अल्लाह की किताब को पढ़ना होगा क्योंकि वो किताब अरबी में है और यह हमारी मादरी ज़बान नहीं है मदर टंग नहीं है इसलिए हमें अरबी समझने के लिए अपनी मादरी ज़बान यानी उर्दू में इसका तर्जुमा पढ़ना होगा ताकि हमें पता चले कि क़ुरान में अल्लाह क्या कहा है हमें किस चीज़ का हुक्म दिया है और हमें किस चीज़ से मना किया है अल्लाह ताला का ये कलाम बहुत कीमती है बहुत अहम है इनशा इस पे तफसील से बात करेंगे लेकिन दो चीज़ें आपको मैं समझा दूँ कि कुरान पाक में दो किस्म की आयात हैं एक आयात महकाम कहलाती हैं जबकि दूसरी आयात मुतबहत कहलाती हैं ये दो किस्म की आयात हैं महकमत आयात वो होती हैं जिसका अल्लाह ताला ने तकम दे दिया किसी काम के करने का हुक्म दिया किसी इबादत के या किसी अमल करने का हुक्म दिया या किसी अमल से रोका जो अल्लाह को नापसंद है और हमारे लिए उसमें नुकसान है वो तमाम आयात महकमात कहलाती हैं दूसरी किस्म के जो आयात हैं वो मुतशाब हाथ है मुतशाब हाथ वो आयात हैं जो अल्लाह ताला ने उसको मुख्तसर बयान करके छोड़ दिया है अब हमने उसकी तफसीर और तशरी को समझना है उसमें पॉजिटिव पॉइंट्स निकालना है और अपने अमल के लिए वो सब चीज़ें लेनी है जिसमें हमारा फ़ायदा है कुछ लोग क़ुरान को जब समझते हैं तो राइट वे पर समझते हैं पॉजिटिव वे में समझते हैं लेकिन कुछ लोग उन आयात को नेगेटिव वे में समझते हैं मिसाल के तौर पर आयतल कुर्सी ये कुरान पाक के तीसरे पारे में है तो आयतल कुर्सी में एक लफ्ज है कुर्सी वर्सी और अल्लाह की कुर्सी जमीन और आसमान पर छाई हुई है जो राइट वे पर इसका मतलब समझेगा वो इमेजिन करेगा कि अल्लाह की कुर्सी इनविजिबल है वो ये समझेगा कि अल्लाह की कुर्सी का मतलब ये कि अल्लाह ताला का होल्ड अल्लाह ताला का निजाम अल्लाह ताला का कंट्रोल लेकिन जो इसको रॉन्ग वे पर समझेगा वो किस तरफ चला जाएगा वो वो ये सोचेगा कि ये कुर्सी इस तरह की कुर्सी है जैसे आमतौर पर हमारे यहां कुर्सी होती है तो अल्लाह की कुर्सी कहाँ है नज़र क्यों नहीं आ रही तो वो कुर्सी को तलाश करेगा और जब वो इस कुर्सी को तलाश करेगा तो फिर वो ये समझेगा कि ये आया तो ऐसी हैं जो हमारी अकल को कबूल ही नहीं कर रही है अल्लाह ने जब कुर्सी का जिक्र किया तो कुर्सी नज़र भी तो आनी चाहिए ना तो जब ये कुर्सी नज़र नहीं आएगी तो फिर उसके दिल में व शुभ पैदा होंगे तो ऐसी आयात जिनकी वजह से इंसान रॉन्ग वे पर चला जाए बजाय ये कि राइट वे पर जाए वो अल्लाह ताला ने हमारी अकल के लिए इम्तहान के लिए छोड़ दी कि आया हम उससे सही मतलब लेते हैं या गलत मतलब लेते हैं इसीलिए देखें कुरान का इल्म हासिल करने वाले जो लोग हिदायत की नीयत से कुरान पढ़ते हैं वो हिदायत हासिल करते हैं और जो लोग गुमराही की नीयत से कुरान पाक पढ़ते हैं वो गुमराही हासिल करते हैं जो लोग बरकत की नीयत से कुरान पाक पढ़ते हैं अल्लाह ताला उन्हें बरकत भी अता फरमाता है जो लोग सवाब की नीयत से कुरान पाक पढ़ते हैं अल्लाह बेशक उन्हें सवाब भी अता फरमाता है और आप देखें एक एक लफ्ज़ पर दस दस नेकियों का अजर अल्लाह ताला ने लिख दिया है और जो लोग हिदायत की नीयत से कुरान पाक को पढ़ते हैं अल्लाह ताला उन्हें सवाब भी देता है बरकत भी देता है और हिदायत भी देता है तो क्यों ना हम क़ुरान पाक को हिदायत की नीयत से पढ़ें चाहे एक आयत पढ़ें लेकिन उसमें से हदायत निकालिए कि अल्लाह ताला ने इसमें मुझे किस क्या मुखातिब किया है किस तरह से मुखातिब किया है क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक का जो मौजू रखा है वो इंसान ही रखा है अल्लाह मुखातिब है इंसान से मुझसे और आपसे दुनिया के हर इंसान से मुखातिब है तो इन हम अगले लेक्चर में क़ुर पाक के मुतालिक डिटेल से समझेंगे तो इन शाह तर आपसे आप बात करते हैं अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लामक वरह वक्